नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और हमारा जो विषय है हिंदी। हमारी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज, तो उसका 16वां अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। कल हमने पढ़ा था कि लेखक जो है किस प्रकार से अपने पड़ोस में रहने वाले वकील साहब के बारे में बताता है कि उनके मन में किस प्रकार से अपने पड़ोसी जो हैं, उनके बगल में रहने वाले जो बीमा एजेंट हैं, तो उनको देखकर वे ईर्ष्या करते हैं। उनके पास में जो सुख साधन हैं तो उनसे वे प्रसन्न नहीं रहते, बल्कि उसको देखकर वो जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दुखी रहते हैं। तो लेखक ने हमें बताया कि ईर्ष्या जो है जिसके मन में पैदा होती है उसको जलाती रहती है, और ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। और किस प्रकार से वह ईर्ष्या जो है हमें जलाती रहती है, और किस प्रकार से हमारे अंदर जो निंदा करने से जो संयम शक्ति का अपव्यय होता है, तो उसका वर्णन इसमें किया गया था भाग 1 के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम भाग 2 के अंतर्गत, कि लेखक जो है किस प्रकार से चिंता को चीता के समान बता रहा है और किस प्रकार से वह हमें हर प्रकार से जकड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। चिंता को लोग चीता कहते हैं। अब देखिए, चिंता जो है वो चीता के समान है। अब चीता पे यानी कि मृत शरीर जो उसको जला दिया जाता है ना, तो चीता होती है वो। तो जो चिंता है वो धीरे धीरे हमें वो अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही है, जला रही है, ख़त्म कर रही है, वो मार रही है हमें। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की ज़िंदगी ही ख़राब हो जाती है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि जिसको किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है ना, तो उस बेचारे की तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। अब चिंता तो मनुष्य को ही ख़त्म करती है, ज़िंदगी को ख़त्म करती है, लेकिन जो अगर ईर्ष्या अगर आ जाती है तो वह ज़्यादातर जो है वह मनुष्य के जो मौलिक गुण हैं उनको भी ख़त्म कर देती है, कुंठित बना देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है वनस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। अब इसमें लेखक कहते हैं कि मृत्यु शायद फिर भी ठीक है वनस्पत बदले में इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। अब हमें अपने जो गुण हैं उनको कुंठा में बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है। अब देखिए, चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है कि उसको यह चिंतित है, चिंता में है, तो चिंता में अगर जो जल रहा व्यक्ति वो समाज की दया का पात्र होता है, लेकिन ईर्ष्या से जला जो भुना व्यक्ति आदमी है वो जहर की चलती फिरती गठरी होता है, और जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। अब वो हर जगह वायु को दूषित करती है, यानी कि जहाँ भी वो जाएगी ना तो किसी न किसी को निंदा करेगी, स्वाभाविक है ये। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है। अब देखिए, ईर्ष्या जो ना मनुष्य का चारित्रिक चरित्र का दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। अब प्रत्युत बल्कि इसके बदले में मनुष्य का जो आनंद है वो भी बाधित होता है इससे, ईर्ष्या से। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। अब देखिए, जब भी मनुष्य के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, तो उसके सामने जो सुख है ना वो बिल्कुल हल्का सा हो जाता है, कि उसके पास तो अरे सुख है ही नहीं है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं हों। अब देखिए, जो पक्षियों की आवाज़ है, जो कलरव है, तो उनके जो ऐसे लगता है कि जैसे कोई गीत का जादू छा रहा है, लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या करने वाले के सामने इस प्रकार का जो आनंद है वो दूर हो जाता है। और जो फूल हमें प्रसन्नता देते हैं वे भी ऐसे लगते हैं कि जैसे वे देखने के योग्य ही नहीं हों। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब देखिए, इसमें कहता है लेखक कि निंदा के जो बाण होते हैं ना वो अपने प्रतिद्वंदी को भेद कर हंसने में एक आनंद है। अब जो निंदा अगर अपने करते हैं, हमारे सामने कोई प्रतिद्वंदी है हमारा, तो उसको भेद कर, उसको छलनी करते हुए, उसको दुखी करते हुए हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है। किसी को दुखी करते हुए प्रसन्न होना ये मानवता का धर्म नहीं है, बल्कि ये राक्षस प्रवृत्ति कह सकते हैं अपनी। यह आनंद देत्यों का आनंद होता है। अब ये जो आनंद है मनुष्यों का आनंद नहीं है, बल्कि देत्यों का, राक्षसों का ये आनंद है।
ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंद्वी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जब कि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अब देखिए, लेखक ने कहा है कि जो ईर्ष्या ना, वो उसका एक पक्ष जो सचमुच में लाभदायक हो सकता है, वो कैसे हो सकता है कि हमारे जो अधीन कोई व्यक्ति है या इसके अधीन कोई व्यक्ति अगर है या कोई जाति है ईर्ष्या के अधीन, तो उनके अंदर एक अपने प्रतिद्वंदी के सामने उसके बराबर बनने की अगर चाहत है, इच्छा अगर है, तभी वह ईर्ष्या में प्रेरणा दे सकती है, नहीं तो वह नकारात्मकता की ओर ले जाएगी। अगर हम अपने प्रतिद्वंदी को देखकर उसके समकक्ष होते हैं, उसको बिना हानि पहुँचाए हुए, तो ही वह रचनात्मक हो सकती है। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है। अब ईर्ष्यालु व्यक्ति है ना, वो महसूस करता रहता है कि उसके पास में, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो उसके पास नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उसे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप में से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। अब देखिए, इसके माध्यम से लेखक कहता है कि मनुष्य जब सोचता है कि उसके पास में कुछ नहीं है, उसके मित्र के पास में बहुत कुछ है, और उनको वो श्रेष्ठ मानकर वो जलने लगता है ना जब, तो उसको ऐसे लगता है कि उन्हीं के पास में सब कुछ है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हो सकता है कि वो भी शायद किसी से असंतुष्ट हों। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है। अब शरीफ आदमी यानी कि जो सज्जन आदमी है ना, वो मन में विचार करते हैं कि अरे, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की ही की है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भलाई मैंने उसी की है, लेकिन वही मेरी निंदा कर रहा है, और मैंने तो उसका कुछ कभी बिगाड़ा ही नहीं है ना, कुछ बुरा कहा ही नहीं मैंने, तो फिर ये वो मुझसे जल क्यों रहे हैं, घृणा क्यों कर रहे हैं, ऐसे ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं, यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकूँ। और देखिए, सज्जन व्यक्ति किस प्रकार से सोच रहा है कि मैंने तो किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी, हमेशा अपने दुश्मन की भलाई के बारे में सोचा है, फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मेरी ही बुराई क्यों करते हैं ये, और मुझ में ऐसे कौन सा ऐब है, बुराई है, कि जिसको मैं दूर करके अपने दोस्तों को चुप करा सकूं कि वे मेरी बुराई नहीं करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अब देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, उन्होंने एक तजुर्बा, अब तजुर्बा क्या होता है, अनुभव, कि एक अनुभव से होकर गुजरे, अब तब उन्होंने एक सूत्र दिया, एक विचार बताया, विचार रखा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अब देखिए, जिसकी तुमने भलाई की ना ज़्यादा, बाद में वही तुम्हारी निंदा करेगा। और नित से जब इस कूचे से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। अब नित से भी इस कूचे से होकर गुजरा, यानी कि जब इस अनुभव से गुजरा, तो वह जोर से ठहाका लगा के हंसता है। नित से जो एक दार्शनिक था, तो वो कहते हैं कि यार, ये तो बाजार की मक्खियों के जैसे हैं जो बिना कारण ही हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। अब आपने देखा होगा कि मक्खियाँ जो बिना कारण के भिनभिनाती रहती हैं इधर उधर, तो मक्खियों की संज्ञा दी है इसमें, तो ज़्यादा इसको गंभीरता से नहीं लिया नित्य ने, ये सामने प्रशंसा और पीछे निंदा किया करते हैं। अब जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, सामने तो आपकी प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप गए तो पीठ पीछे वो आपकी निंदा प्रारंभ कर देते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूँकि ये हमारे बारे में सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, किनके दिमाग में, यानी कि जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो हमारे सामने तो प्रशंसा करते हैं लेकिन पीठ पीछे निंदा करते हैं, तो उनके दिमाग में बैठे हुए हैं, और ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती। अब इनमें मक्खियाँ बताया गया, इनको
जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो निंदा करने वाले हैं, और ये बार बार हमारे बारे में सोचती हैं, तो इसलिए हमसे डरती हैं और हम पर शंका कर रही हैं। शंका मतलब संदेह कर रही हैं कि कहीं ये हमें हानि नहीं पहुंचा दें। तो ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। देखिए, लेखक कह रहा है कि ये जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं ना, वो हमारे गुणों के कारण से हमें सजा दे रही हैं। ये सब ऐब को माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं। अब लेखक कहते हैं कि अगर कोई बुराई है ना, तो उसको तो ये माफ़ कर देंगे, लेकिन अच्छाई को ये माफ़ नहीं करती हैं। और बड़ों का कोई ऐब है, कोई कमी है, तो उसको ये माफ़ भी कर देती हैं। और जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत है, जिसका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। अब देखिए, जो उदास चरित्र के लोग हैं ना, उन्नत चरित्र के जो लोग हैं, और जिनका हृदय स्वच्छ है, किसी के प्रति कोई विकार नहीं है, कोई घृणा का भाव नहीं है, और जो विशाल हैं, वे कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। जैसी सोच है वैसा ही ये बात करेंगे। जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानती हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। अब जिनका दिल छोटा है ना, जो बड़ी बात नहीं सोच सकते, और जिनकी दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता, भल, मन, साहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि जो हमसे ईर्ष्या करने वाला है ना, आप उससे चाहे कितने प्रेम कीजिए, उसके प्रति उदारता का भाव रखिए, उसके प्रति आप जो है कितना ही समर्पित हो जाइए, उसकी भलाई कीजिए, लेकिन आपका यह बर्ताव देखकर वो समझेगा कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। अपकार मतलब बुरा ही मिलेगा हमें, उपकार मतलब भलाई कर रहे हैं, लेकिन हमें बुराई ही मिलेगी कि तुमने तो बुरा किया हमारा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साध दे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति हर प्रकार से ईर्ष्या करता है। अगर भलाई कर दी तो भी ईर्ष्या करेगा, अगर हम चुप रहते तो भी ईर्ष्या करते हैं। अगर हम उसके द्वारा निंदा की गई ना, तो उसका जवाब नहीं देते, हम चुप रहते हैं, अपने सोच लेते हैं ये छोटे दिल वाला, यानी कि छोटे सोच है इसकी, तो ऐसा कह रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि ये तो इसमें अहंकार आ गया है, अहंकार का भाव लक्षित हो रहे हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। अब छोटेपन के भागीदार कैसे हो जाएं? कि जैसे वो आरोप हम पे लगा रहे, तो वैसे आरोप हम भी उन पे लगाएं, तो तब उनको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नित्से ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझ जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। अब पहले तो नित्से ने मक्खियों के समान बता दिया था जो निंदा करने वाले हैं, फिर दूसरा सूत्र दिया है कि आदमी में जो गुण होते हैं ना, तो गुणों से ही वो महान माना जाता है, और उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं। कि आपके अंदर अच्छे गुण है ना, तो आपकी हर कोई प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं गुणों को देखकर ही वो ईर्ष्या करने वाले जो लोग हैं वो जल रहे हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? अब लेखक प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या उपाय हो सकता है कि ईर्ष्यालु लोगों से बचा जाए, कैसे बचा जाए। अब देखिए, नित्से क्या कहता है इसमें, दार्शनिक है वो, तो नित्से कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। अब एकांत की ओर भागो मतलब कि एकांत में रहो आप। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयस से दूर रहकर किया जाता है। अब जो कुछ भी अमर है या जो महान है, वो बाजार से, उसकी रचना या निर्माण बाजार से, यानी कि लोगों के बीच में अगर आपने अपनी जो योग्यता है उसका प्रदर्शन किया, तो आप जो हैं निंदा के पात्र बन जाएंगे। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। अब देखिए, जो नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, वो बाजारों में नहीं बसते, अर्थात वे अपनी दिखावा नहीं करते, यानी किसी को बताते नहीं कि मैंने ये किया है, और ना ही वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। शोहरत मतलब कि प्रसिद्धि जो है, वो नहीं चाहते कि उनको प्रसिद्ध किया जाए। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती, वहाँ एकांत है। अब बाजार की मक्खियाँ मतलब कि जो हमारे गुणों के बारे में विचार नहीं करते, जो हमारे बार बार जो कार्यों के द्वारा हमें अपने दिमाग में नहीं रखते, बार बार हमारे बारे में सोचते नहीं रहते, तो वहाँ पे एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय।
किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकते हैं? अब ये तो था कि ईर्ष्यालु जो लोग हैं उनसे कैसे बचा जाए, एकांत में रहिए आप, ना किसी से ज़्यादा बातचीत मत कीजिए। इस प्रकार से अगर आप जो रहते हैं तो आप जो है ईर्ष्यालु लोगों से बच सकते हैं। लेकिन ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकते हैं, अब ये तो भाव है, कैसे इसको ख़त्म किया जाए? तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। अब कैसे बचा जा सकता है, अब ये थोड़ा जाने जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं ना, वो जान लें ये कैसे बचा जा सकता है, नहीं तो ये आपका जो जीवन है ना वो नष्ट कर देगा जो ईर्ष्या का भाव है। तो इससे बचना चाहिए हमें। तो इससे से बचने का जो उपाय है वो मानसिक अनुशासन है, कि हमारा जो दिमाग है वो अनुशासित रहे, इधर उधर की बातें नहीं सोचें। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। अब फालतू बात कैसे, कि मेरे पास में ये है उसके पास में तो उसे बढ़कर है, है ना, कोई भी वस्तु है किसी भी विषय के बारे में, तो ऐसी जो फालतू बातें हैं उनको छोड़ने की जो आदत है ना, सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए, तभी ईर्ष्या का भाव हमारे मन से निकल सकता है। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। अब देखिए इसमें लेखक कहता है कि जिस अभाव के कारण से वो ईर्ष्यालु बना है, कि क्या कमी है, क्या चीज़ नहीं है तुम्हारे पास में, तो उसकी पूर्ति रचनात्मक तरीके से कैसे हो सकती है? एक विध्वंसात्मक थी, एक रचनात्मक, दो प्रवृत्तियाँ हमने पढ़ी थी पहले। विध्वंस मतलब दूसरे की को हानि पहुंचाना, अब चाहे उसमें हमारा लाभ है या नहीं है, लेकिन हम दूसरे को हानि पहुंचा रहे, दूसरे काम को बिगाड़ रहे हैं। और रचनात्मक तरीका क्या है, कि हम सृजन कर रहे हैं, अब दूसरे को बिना हानि पहुंचाए हम उसके जैसी वस्तु जो है उसको हम उपलब्ध कर रहे हैं। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। अब देखिए लेखक कहते हैं कि जिस दिन उसके मन में ये आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूँ बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, जब ऐसा भाव आ जाएगा किसी के मन में, तो ईर्ष्या जो है वो अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएगी और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ये था हमारा अध्याय जिसका हमने अध्ययन किया है, 16वां अध्याय था, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसके लेखक का नाम था रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें ईर्ष्या का भाव कैसे दूर किया जा सकता है, है ना, ईर्ष्यालु लोगों से कैसे बचा जा सकता है, तो ये सभी इन बातों पर चिंतन किया गया, मनन किया गया। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।